द्वारिकाधीश के नयन सावन बने। मित्र खातिर लुटाए हैं सारा खजाना, दोस्ती में भी भीषण के रावण मरा था, सियाराम कहता है सारा जमाना। तो स्वर्गीय पद्म श्री हीरालाल यादव जी भी गाए, पारसनाथ यादव जी भी गाए। के बात बोला मधुरी बचनिया, अरे मधुरी बचनिया। एक बहू हमारी सेवा करे और जब वही बहू सास बन जाती है तो बात भूल जाती है। परलोक में सबसे प्यारी है काशी, जहाँ जन्म खातिर तरसते हैं दाता। पापनासी है गंगा का करवट किनारा, ऐसा संद और एक स्वर्ग भी शर्म खाता। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। तो आज हमारे बीच बिरहा जगत के ही एक कवि हैं जो बिरहा बड़ा ही तेजी से लिखते हैं। काफ़ी नाम सुना होगा आपने इनको, अगर सर्च करेंगे तो इनको जान भी जाएंगे और कई चैनल पर इनका इंटरव्यू हो चुका है तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इनके बारे में जाना ही होगा। लेकिन हम भी इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, इनके विचार कुछ रखना चाहते हैं। तो जानेंगे हम इन्हीं से इनके ईश्वर में परिचय। तो सर, स्वागत है आपका। बहुत 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 स्वागत आपका भी संतोष जी, और आपके सभी श्रोता दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ जी। सर, एक छोटा सा परिचय हमारे दोस्तों जी। एक मामूली सा कवि सियाराम यादव और बिरहा सम्राट विश्वनाथ यादव जी का भांजा हूँ, कुछ लिख पढ़ लेता हूँ। और ये तो आप लोगों का प्यार दुलार है जो इतना पसंद करते हैं हमें जी। तो आप कवि केवल लिखते हैं या गाते भी हैं? सर, शुरुआत तो हम गाने से ही किए थे। अच्छा। वो दौर था रामदेव जी के साथ हमारे मामा का कार्यक्रम बराबर होता था, तो उनके मंच से, उनके सुपुत्र अब नहीं है दुनिया में, बड़े अच्छे गायक रहे स्वर्गीय पप्पूलाल यादव जी, गाते थे लोकगीत, और मामा के मंच से मैं लोकगीत गाता था। काफ़ी दिन तक ऐसे चला। उसके बाद लेखनी की तरफ आ गए, इसमें हम ज़्यादा रुचि लेने लगे और इसमें ज़्यादा सफलता मिली, तो इसी को मुख्य मान करके जुड़ गए। मतलब अब लिखने का ही काम करते हैं जी। अच्छा, आपकी लेखनी किन किन लोगों तक जाती है? ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी लेखनी को स्वर्गीय पद्म श्री हीरालाल यादव जी भी गाए, पारसनाथ यादव जी भी गाए, एक दो करके गीत हैं, और सुरेंद्र जी, ओम प्रकाश यादव बक्सर, ओम प्रकाश दीवाना, खुशबू राज, ये नए लोग तो बहुत हैं। हमारी शिष्या हैं नीतू राज जी, और जोगी गीत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले संतोष मधुर जी हमारी गीत को गाते हैं। हमारी ज़्यादातर गीतें जोगी गीत की वही गाए जो हिट हुई, और मामा का तो पूछना ही नहीं है, इन्हीं से तो शुरुआत हुई। हमारे अखाड़े के जो कलाकार हैं, चंद्रकिशोर पांडे जी हुए, सुरेंद्र बलिया वगैरह, सारे कलाकार गाते हैं। किस किस अखाड़े से आप? मैं गुरु रमन घराने से लिखता हूँ, क्योंकि मेरे मामा रमन घराने के ही बड़े गायक हैं, श्यामा। तो अभी जैसे आपने शुरुआत की गायकी से जी, तो आपके परिवार में भी कोई गायकी क्षेत्र में था? नहीं, परिवार में हमारे पिताजी थे स्वर्गीय हरिनाथ यादव उर्फ अनु खलीफा, वो हल्का फुल्का गाते थे, लेकिन मेरा जन्म ननिहाल में हुआ। अच्छा। तो इसलिए मामा इस लाइन से थे, तो तमाम बड़े बड़े कलाकारों का जमावड़ा हमारे यहाँ लगा रहता था। कभी रामदेव जी आते थे, कभी शिवरत उस्ताद आते थे, कभी बुल्लू उस्ताद आते थे, तो हम छोटे थे तो अचानक इन लोगों को देखते सुनते अपने दिल में ये आ गया कि मैं भी इस लाइन में आ जाऊँ। मन में विचार आया कि नहीं, हमको भी गाना चाहिए। और प्रबल इच्छा तो तब बड़ी, एक बार स्वामी अगड़ानंद जी के दरबार में हम लोग गए थे, तो वहाँ मैं एक भजन गाया था, स्वामी जी को बड़ा पसंद आया और उन्होंने कहा कि ये लड़का इस लाइन में बहुत नाम करेगा। तो उस दिन से तो पक्का ही हो गया कि अब कुछ करना नहीं है, करना है तो या तो गाना है या तो लिखना है, बिरहा जगत में ही चलना है। तो तब से हम ज़्यादा इधर आ गए, इधर झुकाव ज़्यादा। अभी जो आपने जो लिखा है, लिखे हैं, जोगी गीत बताते हैं कि संतोष मधुर जी को दिए हैं, तो कौन सी गीत आपकी हिट हुई? बहुत सी गीतें हिट हुई हैं उसमें, हम कितना आपको बताएं, कई गीतें हैं। और जो है कुछ गीतें जैसे हैं, मैंने कई इंटरव्यू में उनको बताया भी, हमारी गीतें संतोष मधुर के बारे में भी, जैसे कि अगर बोलना है तो क्या बोले, हमने उसमें लिखा है जोगी गीत में,
अब गा करके ही बताना पड़ेगा आपको। गाइए गाइए, जब आप गायक भी रह चुके हैं और आपकी लेखनी लोग गाते हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, तो हम चाहेंगे कि तो देखिए तमाम हिट सुपर हिट गीते हो जाएं, लेकिन आदमी के दिमाग में अपनी पहली पायदान याद रहती है। तो मैंने जो पहला जो भी गीत लिखा था उसकी लाइनें मुझे अभी भी याद है। बोले ही के बात बोला मधुरी बचनिया, अरे मधुरी बचनिया हो, तीखी बानी करे तकरार नुहुरा, लगावे के हो त बाबू बगिया लगई हाय रे, बगिया लगई हा हो, अगिया लगई हा न बेकार नुहुरा, हँसही के बात खुद अपन पे हँसी हाय रे, अपन पे हँसी हा हो, दूसरे पे हँसबा खाई खार हो राम, छोड़ही के बात छोड़ा गाजा भांग मदिराय रे, गाजा भांग मदिरा हो, छोड़िहा न चरित्र हो न हार हो राम। ये पहली जोगी गीत थी और काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। उसके बाद तो जोगी गीत का कारवा ही चल पड़ा, कभी बाबू खैले बिन मर गई ने तेरे ही खैले से बावन गाँव, तो कभी भ्रूण हत्या पे, तमाम गीते अच्छा, जोगी गीत जो काफ़ी चर्चा में रही और काफ़ी लोगों ने पसंद किया जोगी गीतों को, आज भी लोग पसंद करते हैं, तो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि नहीं ऐसी गीते लिखना चाहिए लोगों को पसंद आएगी? मेरे दिमाग में ये बात आया कि जब अश्लीलता आती है, अश्लील गीतें आती हैं, तो लोग सुनते हैं, दो चार महीने तक धूम मचाने के बाद वो लापता हो जाती है। तो हमने सफल होने के लिए ये सोचा कि क्यों न कुछ जो बुराइयां हैं समाज में उसी को हथियार बना लिया जाए, जैसे भ्रूण हत्या हुई और जो है माँ बाप का सेवा वगैरह हुआ, जो अनादर कर रहे हैं लोग, दहेज हुआ, ऐसे करके हर बहुएँ चाहती हैं कि हर सास चाहती है कि बहू हमारी सेवा करे, और जब वही बहू सास बन जाती है तो बात भूल जाती है। तो ये सब मैटर हमने सबको जोगी गीत में पिरोया और काफ़ी सफल हुआ, तो हम समझ गए कि यही चलेगा। जागरूकता की भी, शिक्षा अभियान का भी हमने जोगी गीत में समावेश किया, और ये जो है आपका क्या कहते हैं, पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी, कई योजनाओं तमाम इस समय हम कितना आपको गिनाएं, अब 200 से ज़्यादा जोगी गीते हो चुके हैं, तो उतना हम क्रम तो जैसे कि आप लोग जैसे लिखते हैं, जो समाज के जो समाज में जो चल रहा है उसको आप गीतों में पिरो कर लिख देते हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आता है, और सबसे बड़ी बात गीत के बाद जो चित्रण करते हैं जोगी के माध्यम से, जो वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि प्राचीन ये जो औरतें वगैरह होती हैं, हमारे गांव घर की माताएं बहनें, तो ये जब अपने काम धंधा से खाली होती हैं तो भोजपुरी की पारंपरिक विधा जैसे जोगी गीत हुआ, तीज कजरी अपना, वो लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको दिमाग में रख करके उनकी भावना को हम उस थीम ऐसा ही बनाते हैं कि उनको पसंद आए और पसंद कर रही हैं लोग। विदाई का गीत हो गया, रक्षाबंधन का गीत हो गया, वो ऐसे करके कोई जुदाई उदाई। अच्छा, और भी कोई गीत जो सुपर हिट हुई हो उसका एक लाइन हम सुनना चाहेंगे? सुपर हिट कहना मुश्किल है, कई गीतें ऐसी हैं कि अभी जो लेटेस्ट में कोई लिखे हैं आप? अभी तो ये जो है प्रचार का माध्यम चल रहा है, तो पार्टी वाइज हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। पार्टी वाइज नहीं, जैसे कोई जो गीत जो जोगी गीत में से कोई ऐसा जोगी गीत में जो हिट हुई है, तो जोगी गीत में देखा देखिए अभी जो है, कवने जनमवा के बिगड़ल कमाइया हो, बूढ़िया आई चिन्ह नाही बेटावा, पतोहिया हो, बूढ़िया आई अंगूरी ध सिखवली जे के चले अंगनाइया हो, बूढ़िया आई उहे लाल तोड़ आज कलैया हो, बूढ़िया आई। ये बेसहारा माँ बाप की एक दास्ता है जो भी गीत के माध्यम से हमने दर्शाया। अच्छा, आप लिखते हैं, आपके परिवार में जैसे बताया कि पिताजी थोड़ा बहुत गाते थे, तो आपके बच्चे भी होंगे,
तो उनमें क्या आपको समझ में आता है कि वो भी निकलेंगे जी? बच्चे मेरे दो हैं, तो एक बड़ा वाला लड़का है संस्कार, वो बीटेक कर रहा है, इधर बिल्कुल रुचि नहीं है। एक बिटिया है सोनाली, वो भी इंटर कर रही है, वो भी इधर बिल्कुल उन सबों को ये उतना पसंद नहीं है जी, रुचि नहीं, रुचि बिल्कुल, मतलब आपसे ही खत्म हो जाएगा क्या लग रहा है? और लोग आ जाए, अच्छे से लोग आएंगे, और परिवार में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आएगा जी। हो सकता है कि बच्चे के जो पोते हों आपके, तो उसमें से कोई हो, क्योंकि जो अनुवांशिकी जो है वो कभी, वो तो मेरी पसंद है, और जिंदा रह गए तो कोशिश करेंगे कि बच्चे नहीं आए तो कम से कम उनके बच्चे आ जाए, एक लगाव ऐसा है कि कोई ना कोई होता रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार रखें, और काफ़ी लोगों को पसंद आएगी आपकी बातें भी, जो आपने बताया और जो आपने गाया और जो आप लिखते हैं, आपकी लेखनी। विराग कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने लिखा था दोस्ती पे, मूल हमारा जो विराग है, विराग को क्यों लोग पसंद करते हैं, इसकी मूल कहानी होती है, और कहानी को हम अपने घर की, मतलब कहानी घर घर की, हर घर की कहानी को विराह में पिरोया जाता है, दोस्ती पे, मित्रता पे, मैंने मित्रता पे लिखा है। रिश्ते नातों से बढ़कर परम दोस्ती, दोस्ती में किसी से न धोखा कमाना, मित्र खातिर लड़े कर्णदानी, हमेशा सगे भाई अर्जुन बने हैं बेगाना, द्वारिकाधीश के नयन सावन बने, मित्र खातिर लुटाए हैं सारा खजाना, दोस्ती में भी भीषण के रावण मरा था, सियाराम कहता है सारा जमाना। भूमिका है, और हमारे मामा आदनी विश्वनाथ जी की आवाज़ में आप सुने होंगे मार्कंडे महादेव की उत्पत्ति, कैसी है काशी, लोक परलोक में सबसे प्यारी है काशी, अपनी काशी है कैसी, मैं अपने नज़रिए से उसको लिखा, लोक परलोक में सबसे प्यारी है काशी, जहाँ जन्म खातिर तरसते हैं दाता, पापनाशी है गंगा का करवट किनारा, ऐसा संदौर की स्वर्ग भी शर्म खाता, हरिश्चंद्र से हरि मिले थे जहाँ, हरिश्चंद से हरि मिले थे जहाँ, भक्त रविदास की खीर खाए विधाता, पाप धोए सियाराम पचकोस करके लगता, विश्वनाथ के घर में भक्तों का ताता। लाइन भी नहीं बिगड़ी, राइटर और गायक दोनों लोगों का छाप भी हो गया, तो ऐसे तमाम भूमिकाएं हैं जी। तो ये हमारे साथ जो सियाराम कवि जी हैं, ये बिरहा भी लिखते हैं, जो कि गीत भी लिखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये इन्होंने गायकी से शुरुआत की और आज कवि बनकर रह गए हैं, लोगों को मंच देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके विचार आपने जाना। तो आपको भी अगर अच्छा लगा हो और तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आपको जब मैं किसी बिरहा कलाकार से मिलता हूँ, किसी कवि से मिलता हूँ, उनके विचारों को अपने वीडियो के माध्यम से रखता हूँ। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मैं वादा करता हूं कि हर बिरहा कलाकारों के पास जाकर और उनसे इंटरव्यू लेकर उनके जो संघर्षों की कहानी अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सब लोग के, प्रणाम।